नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल निफ्टी इंडिया में। आज हम दो IPO के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला IPO है रेड गेन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, रेड गेन IPO में अगर हम इसके बारे में बताएं तो ये IPO जो है 7 दिसंबर को ओपन हुआ है, जिसकी जो है लास्ट डेट कल 9 दिसंबर है, और इसका साइज अप्रोक्स 1335 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 375 करोड़ रुपए का है और ऑफर फॉर सेल 2,26,05,530 शेयर का है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये है और इसका प्राइस बैंड 405 से 425 रुपये है। जिस भी किसी को अप्लाई करना है, इसके कट ऑफ प्राइस यानी कि 425 रुपये में ही अप्लाई करना है। इसका अलॉटमेंट 14 दिसंबर को होगा, रिफंड 15 दिसंबर को, डीमैट अकाउंट में 16 दिसंबर को ये आएगा और लिस्टिंग इसकी 17 दिसंबर को होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मार्केट में इतनी गिरावट के बाद इतनी अच्छी 2 दिन से रिकवरी भी आ रही है, पर जो है रेड गेन के जीएमपी में लगातार क्या कहते हैं गिरावट चल रही है। इस समय इसका जीएमपी करीब 80 रुपीज के आसपास, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ₹80 के आसपास इसका जीएमपी चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पहले इसके 120 रुपीज 150 रुपीज से जीएमपी तेजी से गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। इसका कारण कहीं ना कहीं जो कि प्रीवियस आईपीओ आनंद राठी था, उसके जीएमपी की तरह इसका जीएमपी भी काफी तेजी से गिर रहा है। क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए? तो इसके बारे में अगर हम देखें तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कंपनी जो है दिल्ली बेस्ड है, जो रेड गेन ट्रेवल एंड टेक्नोलॉजिस्ट का है। इसका जो मेन काम है, हाँ, हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर सास का है, जो कि अगर आपको बताऊं मैं तो ये ट्रेवल्स एंड हॉस्पिटल सर्विसेज लाइक होटल्स, इनके बीच में एक जो है एक रिलेशनशिप बनाती है। इसका फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे कि हम अगर कोई होटल बुक करते हैं, अगर आप किसी होटल को आप लोगों ने जरूर बुक किया होगा, ओयो या गोआई वीवो एनीथिंग, तो जो गोआई वीवो या ओयो से हम बुक करते हैं, उसमें होटल के जो रेट्स हैं या जो उसकी डिटेल्स हैं, आपने देखा होगा कि फेस्टिवल सीजन में उसके रेट्स अलग होते हैं और वैकेंट सीजन में क्या कहते हैं होटल्स के रेट अलग होते हैं। तो ये जितनी भी हम लोग साइट्स को रिसर्च करते हैं और साइट विजिट करने से जो इनको डाटा कलेक्ट होता है, उस डाटा के आधार पर ये होटल एंड ओयो या गोआई वीवो जैसी कंपनियों के साथ एक ब्रिज का वर्क करती है, जिससे कि ये रेट में डिफरेंस बढ़ा और डाटा एनालिसिस करके इन दोनों लोगों को देती है। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों कंपनियों के बीच में होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बिजनेस तो अच्छा है, और अगर हम देखें तो जो है ज्यादातर जो है इसका अगर हम 2 दिन के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो क्यूआईबी ने अभी तक इसमें कोई भी पैसा नहीं लगाया है, एनआईआई ने भी अभी तक कोई खास पैसा नहीं लगाया है। हाँ, रिटेल इन्वेस्टर ने अभी इसे ऑलमोस्ट 4% तक इसे सब्सक्राइब कर लिया, 4x सब्सक्रिप्शन दे दिया है। तो ओवरऑल इसका ये तो फिक्स है कि इसका 3rd डे में सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाएगा, बट इसके आगे क्या वो क्यूआईबी और एनआईआई में भी इंटरेस्ट आएगा, ये कल देखने वाली बात होगी। तो अगर इसमें आप मेरा पर्सनल व्यू पूछते हैं तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ को अभी कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए, और हमें जो है अभी नेक्स्ट जो कि अभी बहुत अच्छा आईपीओ आ रहा है मैप माई इंडिया, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने सेकंड आईपीओ श्रीराम प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इस प्रॉपर्टी श्रीराम प्रॉपर्टीज के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो श्रीराम प्रॉपर्टीज है, ये एक साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, जो कि बिल्डिंग्स वगैरह, रेजिडेंसी बिल्डिंग्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन करती है, और ये जो है सन 2000 में ली जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी। ऑलमोस्ट क्या कहते हैं अभी तक इसका सब ऑलमोस्ट सही चल रहा है, जिसमें से इसने अब तक 29 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुकी है और 35 प्रोजेक्ट्स अभी इसके इन रनिंग कंडीशन में है। अभी तक इस कंपनी के बारे में अगर जहां तक देखा जाए तो यह आईपीओ साइज 600 करोड़ का लेके आई है, जिसमें फ्रेश इशू 250 करोड़ है, ऑफर फॉर सेल 350 करोड़ है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफर फॉर सेल थोड़ा ज्यादा है, पर
प्रमोटर्स को अपने 350 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं तो थोड़ा, लेकिन ठीक है। अगर इस कंपनी का प्राइस बैंड देखें 113 टू 118 है, जो कि फेस वैल्यू के मुकाबले काफी चीप है और काफी सस्ता मिल रहा है। अलॉटमेंट इसका 15 दिसंबर को होगा, रिफंड 16 दिसंबर को होगा, डीमैट में 17 दिसंबर को ये क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग इसकी 20 दिसंबर को होगी। अगर इस आईपीओ में देखा जाए तो जो कि करंट जीएमपी चल रहा है वो जो है 20 रुपीज चल रहा है, 20 रुपीज चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 15% होता है। तो अगर हम लिस्टिंग गेन के हिसाब से इस आईपीओ को भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये भी काफी अच्छी लिस्टिंग गेन के बारे में नहीं दिख रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं इसको और जो है कल देख लेना चाहिए और उसके बाद ही इसमें क्या कहते हैं हमें पैसे लगाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी जो है आईपीओ में काफी जो कि गिरावट का दौर चल रहा है, तो हमें ध्यान रखते हुए ही इसमें भी निवेश का ध्यान लगाना चाहिए। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस कंपनी का कहीं ना कहीं श्रीराम ग्रुप का ये पार्ट है, जिससे कि काफी कंपनी में आप एक लोगों का भरोसा देख सकते हैं, और इसी कारण से जो अभी तक आपने इसका रिटेल जो सब्सक्रिप्शन देखा है ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो चुका है, बट क्यूआईबी ने अभी भी इसमें क्या कहते हैं कोई पैसा नहीं लगाया है और एनआईएस का भी बहुत कम दिलचस्पी देखने को मिली है। तो ओवरऑल ये भी जो है अपने पहले दिन में 0.89 टोटल सब्सक्रिप्शन दिखा चुका है, जो कि ओवरऑल फुल्ली सब्सक्राइब तो ये कल ही की डेट में हो जाएगा। तो इसका कल के डाटा के देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि श्रीराम प्रॉपर्टीज में अपने अलॉटमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ जो है दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं अपने लिंक दे दूंगा, आप उसमें से जेरोधा में जाकर फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसका आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जो अच्छे अच्छे आईपीओ आते हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए नई नई जानकारियां लाते रहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फ्रेंड्स, थैंक यू।